और जनरली कैबिनेट जाने के पहले हम हमेशा अपने विभाग का पदभार ग्रहण कर ही कैबिनेट गए हैं। नीतीश कुमार हैज वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स और 17 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। यू कैन वेल इमेजिन द एक्सपीरियंस व्हाट ही इज हैविंग। सिटीज देख रहे हैं और मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, नीतीश कैबिनेट अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में तमाम मंत्री अब एक एक करके अपना पदभार संभाल रहे हैं और मंत्रियों को अब उनके विभाग भी सौंप दिए गए हैं। ऐसे में भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी के पास ही है। आपको बता दें कि पिछली बार भी भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी के पास ही थी और इस बार भी उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। आप विजुअल में भी देख पा रहे होंगे कि अशोक चौधरी अपने विभाग पहुंचे हैं और पदभार को ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने कहा है कि 5वीं बार वो मंत्री बने हैं और जब भी कैबिनेट जो बैठक होती है, आज भी बैठक होना है 4:30 बजे, उससे पहले वो अपने विभाग पर पहुंचते हैं। पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक कुमार चौधरी। कैबिनेट क्योंकि आज कैबिनेट हो गया है 4:30 बजे से और ये मेरा 5वां बार मंत्रिमंडल का ओथ है। हमने अपने अभी तक के 52-53 साल की उम्र में 5वीं बार बिहार के मंत्रिमंडल में हमने शपथ ग्रहण किया है और जनरली कैबिनेट जाने के पहले हम हमेशा अपने विभाग का पदभार ग्रहण कर ही कैबिनेट गए हैं और ये आज संयोग है कि आज ही 4:30 बजे कैबिनेट हो गया। इसीलिए हमने ये उचित समझा कि आज विभाग का कार्यभार हम संभाल लें सो दैट कि आप कैबिनेट में अपने विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने विभाग का कार्यभार संभाले ही नहीं है तो फिर कैबिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन टुडे, आई हैव डिसाइडेड टू टेक चार्ज सो दैट व्हेन देयर इज अ कैबिनेट आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सर, नए परिवेश में नई चीजें हुई, भारतीय जनता पार्टी कल तक से हो गई थी, अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ, क्या आपको लगता है कोई चुनौती नहीं है? क्या चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रही थी, माननीय नेता जो है मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, तो एक तरफ आपने दबाव दे के माननीय नेता को मुख्यमंत्री बनवाया, उसके बाद ऐसे वैसे नेताओं से जिसकी की कोई नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार हैज वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स और 17 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। यू कैन वेल इमेजिन द एक्सपीरियंस व्हाट ही इज हैविंग। भारत सरकार के राज्य मंत्री से लेकर के केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर तक, इस देश में जो कृषि नीति आई है उसको भी आज तक कृषि नीति नहीं थी, जब नीतीश जी कृषि मंत्री बने तो कृषि नीति लाने का काम माननीय नीतीश जी ने किया। तो जो आदमी इतना अनुभवी है, इतना एक्सपीरियंस्ड है, उसको आपने इस चुनाव में 2020 के चुनाव में आपने चिराग मॉडल ला करके आपने उनको मार्जिनलाइज करने का पहले तो प्रयास किया, फिर दबाव बनाकर आपने उनको मुख्यमंत्री बनवाया, उसके बाद जो फर्स्ट टर्मर लोग जिनको आपने मंत्री बनाया, जो पुराने मंत्री लोग थे वो नीतीश जी के कार्यप्रणाली को समझते थे क्योंकि अटल और आडवाणी की जो जोड़ी थी उसके नीतीश जी उपज हैं और उस उन परिस्थितियों में नीतीश जी ने, वो सॉफ्ट हिंदुत्व था और माननीय नीतीश जी ने उनके साथ कोहेसिव एटमोसफेयर में भाईचारा, जिसमें कि नीतीश जी को एक गठबंधन का साथी समझकर हर एक निर्णय में उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता था। अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फिर भी नीतीश जी आए क्योंकि उनको लगा कि वही पुराना हमको साथ होगा, लेकिन फिर 19 का चुनाव भी साथ लड़े, 20 का भी चुनाव साथ लड़े, फिर भी उन्होंने सोचा कि कहीं। तो आपने सुना मंत्री अशोक कुमार चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हर बार जब भी वो मंत्री पद संभाले हैं, हर बार 5वीं बार उन्होंने इस बार शपथ लिया है और ऐसे में वो हर बार अपने विभाग पहुंचते हैं और सबसे पहले वहां पर अधिकारियों से मिलते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद ही वो कैबिनेट मीटिंग में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आज 4:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक भी होनी है और सबकी नज़र अब इस पर है। ऐसे सबकी नज़र बनी हुई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है और तमाम मंत्रियों को उनके विभाग को भी सौंप दिया गया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।